सपा और भाजपा को यही नहीं पता कि सपा की मुझसे टक्कर है, भाजपा की मुझसे टक्कर है। दोनों भयभीत हैं। सपा पार्टी में एक भय व्याप्त है। यहाँ दो दो मंत्री आ चुके हैं अशोक राजा के डर की वजह से। मेरा निवेदन आप लोगों से यही है, अच्छे व्यक्ति को चुनिए। बसपा प्रत्याशी काफिला लेकर पहुंचे नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के गांव में, जनता से मांगे वोट डोर टू डोर जाकर। 129 विधानसभा पूरनपुर से बसपा प्रत्याशी अशोक राजा नेपाल बॉर्डर के आसपास के गांव में अपने काफिले के साथ पहुंचकर पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ डोर टू डोर जाकर जनता से अपील कर मांगे वोट। अशोक राजा बसपा प्रत्याशी 129 विधानसभा पूरनपुर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। अशोक राजा पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी। इससे पहले आप बीजेपी में भी शामिल रहे जी, तो क्या वजह रही आपको टिकट नहीं मिला और समाज और बहुजन समाज पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं सोचा, हमने अपना निर्णय बदल लिया। तो क्या मुद्दे हैं आपको जनता के? मुद्दे ये हैं कि जब अभी इसी बार कुछ दिन पहले जब यहाँ बाढ़ से तबाही हो रही थी, यहाँ के घरों में पानी भरा था, सारा सामान बाहर बिखरा हुआ था, अनाज भी बह गया था, यहाँ से लेकर के गभिया तक गर्दन तक पानी चल रहा था और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी यहाँ आने की, ना शासन की और ना प्रशासन की। कोई भी इन लोगों के लिए भोजन सामग्री देने के लिए आने की हिम्मत नहीं किसी ने जुटाई थी। अशोक राजा वो व्यक्ति था जिसने भयंकर बाढ़ में ट्रैक्टर से भोजन पैकेट ला करके इन लोगों को, जो लोग भूखे थे एक दिन पहले से, सब बेचारे बाहर बैठे थे, मैंने ला करके इनको जो भी सहयोग हो सका था मैंने किया। यहाँ की मेन समस्या यही है कि जब जब बारिश होती है, जब जब बाढ़ आती है, तो पूरा पूरा तराई क्षेत्र प्रलयमय हो जाता है, पूरा बह जाता है। तो आपको जनता विधायक बना दे रही है, तो आप क्या क्या यहाँ पर विकास कराएंगे, क्या क्या दिमाग? सबसे पहला विकास होगा मेरा शिक्षा। यहाँ गबिया में एक इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज में कोई मास्टर नहीं है, मालूम है आपको? शायद आप नहीं गए, मैं बता रहा हूँ, आप जाकर के जानकारी करना। उस स्कूल में मास्टर नहीं है। यहाँ पर जब बंदा बांध जो है बारिश के समय उनमें बाढ़ को रोकने के काम किए जाते हैं। अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करूँगा, सबसे पहले यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था करूँगा और बांध, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता, करोड़ों रुपए का बजट आता है उसमें गोलमाल करने का काम करते हैं, निष्पक्ष रूप से और पूर्ण रूप से वहाँ का विकास होगा और बारिश होने से पहले बांध का इंतजाम किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीत गया? मुझे तो ऐसा लगता कि मेरी कोई टक्कर है ही नहीं। सपा और भाजपा को यही नहीं पता कि सपा की मुझसे टक्कर है, भाजपा की मुझसे टक्कर है। दोनों भयभीत हैं। आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत और हमारा अपना जो यहाँ पर व्यवहार बना हुआ है, मैं इतने अच्छे वोटों से जीतूंगा, क्योंकि सारे भारतीय जनता पार्टी में एक भय व्याप्त है। यहाँ दो दो मंत्री आ चुके हैं अशोक राजा के डर की वजह से, जतिन प्रसाद, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जी, और 15 तारीख को यहाँ कलीनगर में स्वतंत्र देव सिंह आ रहे हैं और 15 तारीख के बाद में महाराज जी आ रहे हैं। इतना भय व्याप्त है इन लोगों को मुझसे, आप समझ लीजिए मैं कितने वोटों में जीतूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। राजा तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक कैसा?